प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। बिल्कुल जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए से नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। एक है एमपी रह चुके हैं कैलाश चौधरी, उन फॉर्मर एमपी रफीक खान। रफीक खान को एक सूर्य चक्र विनर, जो हमारे देश के जवान थे, उनकी बीवी पसंद आ जाती है रफीक खान को। अच्छा, अब कांग्रेस के एमपी जो है वो भाई रफीक खान को बहुत वाहवाही कर रहे हैं कि क्या हो गया, अगर सूर्य चक्र विनर और देश के जवान की बीवी पसंद आ गई तो क्या हो गया, इसमें क्या पाप है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, 5 girls raped इन उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट मदरसा, मौलवी शोड पॉर्न वीडियोस टू गर्ल्स टू प्रिटेक्स्ट ऑफ टीचिंग उर्दू। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए ऐसे एक तरफा बात करना कभी भी ठीक नहीं होता है, हमेशा दो तरफा बात करनी चाहिए और दोनों पहलुओं को जानना और समझना चाहिए। अब आती है बात, रेप अक्यूज्ड मोहम्मद सफीउल्लाह शॉट इन लेग, क्या क्या किया। अब आप लोग कहेंगे मुसलमान था तो इसलिए गोली मार दिया, ये एक छोटी सी बच्ची को रेप करता है जिसका नाम है मोहम्मद सफीउल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद सफीउल्लाह, एक छोटी सी बच्ची को रेप करता है, ये योगी जी के यहाँ। उसके बाद फिर ये जब अरेस्ट होता है तो ये पुलिस को बोलता है कि इसकी तबियत खराब हो रही है। अब तबियत खराब हो रही है तो पुलिस इसको अस्पताल लेकर जाने के लिए निकलती है, अस्पताल में ये भाग जाता है और जैसे ही पुलिस पकड़ती है तो ये पुलिस के ऊपर तमंचा रख देता है, तो फिर पुलिस इसके पैर में गोली मारती है और फिर इसको अरेस्ट करके लेके आती है। अब आप लोग क्या बोलिएगा, आपका न्यूज चैनल क्या बोलेगा, मुसलमान था इसलिए गोली मार दिया। अरे वो रेप किया है, वो भाग रहा था पुलिस को चकमा दे करके। अब देखिए मैं आपको और भी बताती हूँ, मोहम्मद सिहाफत ये भी रेप करके भाग रहे थे, इनको ऐसे पकड़ना पड़ा है पुलिस को, ऐसे पकड़ना पड़ा, छोटी छोटी बच्चियों का ये रेप करते हैं और ये भागते हैं। अभी और भी है, एक है मोहम्मद हसीब, इन्होंने स्कूल के, ये स्कूल की बच्चियों को उर्दू पढ़ाते थे, स्कूल की बच्चियों को उर्दू पढ़ाने के बाद देवभूमि उत्तराखंड की स्कूल की बात है, ये पढ़ाने के बाद ये अपना शर्ट उतारा है, पैंट उतारा है, अंडरवेयर उतारा है, गंजी उतारा है और खड़ा हो गया है और अपने अपने औजार को ऐसे से हिला रहा है बच्चियों के सामने। अब हो गया शोर, अब हो गए ये अरेस्ट, अब क्या करें बोलिए, अब ये मुसलमान है तो हम क्या करें भाई, हम तो बच्चियों का सुरक्षा देखेंगे ना, अब ये मुसलमान है तो हम क्या करें, ये इसका शक्ल ले लीजिए भैया, आप भी देख लीजिए। एक मौलवी साहब है, वो 11 साल की बच्ची उनके पास जाती है अपने अब्बा के तबियत के लिए कुछ तावीज वगैरह लेने के लिए। मौलवी साहब बोलते हैं कि कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा और वहां पर हम तुमको तावीज देंगे। कब्रिस्तान पे में वो 11 साल की बच्ची का रेप करते हैं और बोलते हैं कि अगर किसी को बताओगी तो यहाँ से जिन भेज देंगे और तुम्हारे अब्बा को वो मार डालेगा। जब बच्ची की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई तब वो मौलवी साहब अरेस्ट हुए। अब आप कहेंगे कि मुसलमान है इसलिए आप लोग ऐसा कर रही हैं, अरे तो फिर मुसलमान रेपिस्ट होता क्यों है, सवाल तो ये है ना, तो फिर मुसलमान इतना अश्लील बेहुदा बदतमीज होता क्यों है। तुम अपनी आवारगी अपने घर में रखो ना भैया, अपनी माँ बहन बेटियों को तुम रेप करते रहो, बाहर मत निकलो, बाहर की बहन बेटियों को मत रेप करो, फिर तो हम कहेंगे ना। देखिये शैला, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई हिंदू रेप कर रहा है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, मैं करूंगी। मैंने आपके साथ सबसे पहले बात किया था कैलकटा रेप के आर्जिकर के बारे में, तो वो संजय रॉय तो हिंदू था ना, तो तब भी मेरे तेवर ऐसे ही थे ना, और हसीपुर मोहम्मद हसीपुर कर रहा है तो भी मेरे तेवर ऐसे ही है।
ये बात तो ठीक है, एग्री करते हैं कि मदरसा जो है डिलीवर कुछ खास नहीं कर पाए हैं, ना पाकिस्तान में और ना ही भारत में, और मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा हमने नहीं कभी देखा उसने कोई जहाज बनाया हो, कोई बहरी जहाज बनाया हो, कोई मोबाइल, कोई टेक्नोलॉजी बनाई हो, कुछ भी नहीं बनाया। और हाँ ये बात ठीक है कि मदरसा जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत ही शर्म से कहना पड़ा है कि बच्चों के लिए अब सेफ प्लेस नहीं रही। मदरसा को स्कूल बनाना एक पॉजिटिव कहते हैं ना कि एक कदम था, एक स्टांस लिया गया असम की तरफ से, जिसको मुस्लिम फैमिलीज ने भी बहुत ज्यादा प्रेज किया गया। लेकिन आज की डिस्कशन ये बहुत ज्यादा जरूरी थी कि आपने कहा कि जुम्मा की नमाज को बैन नहीं किया गया, जुम्मा की ब्रेक को बैन किया गया है और मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो है बलडोजर और भी अच्छे तरीके से मैं समझा देती हूँ, क्योंकि आपके यहाँ शिक्षा बहुत कम है और हमारे भी भारत में मुसलमानों का शिक्षा दलित से भी नीचे है। किसी भी मुसलमान को ना नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है, ना रोजा रखने के लिए, और ना ही किसी भी तरीके के अपने इस्लामिक अधिकार से उनको वंचित किया गया है। हाँ, जो ब्रेक था वो रोक दिया गया है, जो जो मुसलमान विधायक हैं वो आराम से उठें, जाएं, जुमा की नमाज पढ़ें। हम अगेंस्ट हैं उन उन लोगों के जो रेप करते हैं, जो मोलेस्ट करते हैं, जो इस देश के लिए खतरा है। अगर वो मुसलमान है तो हम उसके विरोध में हैं, बिल्कुल। ये भी तो बात होगी ना, एक एक मुस्लिम जा रहा है कि वो जुम्मे की नमाज पढ़ना चाहेगा, घंटा तो लग ही जाता है, ज्यादा जल्दी भी करे तो उसका बॉस बोलेगा कि ब्रेक तो अब सरकारी खत्म होगी, अब अगर तुम नमाज के लिए जाते हो तो तुम्हारा एक घंटे का जो पैसा है वो डिडक्ट होगा। ऐसा कुछ होता नहीं, ये चीज भी तो हो सकती है ना। ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ना ही हमारे लोकसभा में होता है। ये डिसीजन जो है हिंदू और मुस्लिम को बांटने वाली बात नहीं है, ये हेट फैलाने वाली बात नहीं है, जो कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये जी तकसीम वाली बात है। हाँ, 30 सेकंड, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, हमारे यहाँ इक्वालिटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारे हमारे देश में आपके जैसा तो नहीं है ना कि माइनॉरिटी हिंदुओं को पूरा मार काट करके 1% कर दिया गया। हमारे यहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में वो फले फूले हैं, वो 7 करोड़ से 20 करोड़ में हुए हैं। तो अब क्या है कि उस विधानसभा के अंदर पंजाबी भी है, ठीक है, सिख सिखड़े लोग भी हैं, सिख जिनको कहा जाता है, उसके बाद फिर क्रिश्चियंस भी हैं, बौद्ध भी है, जैन भी है, हिंदूज भी है, तो सबके तो धार्मिक कुछ ना कुछ ग्रंथ होंगे ना, जिसको वो साइड में ले जा करके पढ़ेंगे। तो किसी को वो ब्रेक नहीं था, किसी को भी वो ब्रेक नहीं था 2 घंटे का। स्पेशल कैटेगरी का ये ब्रेक सिर्फ मुसलमानों का था, तो ये इसको खत्म किया गया कि इक्वालिटी पर हम लोग रहते हैं। जब बाकी रिलीजन्स को कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है तो आपको भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको उठना है तो आप उठ करके जा करके पढ़िए, और इस पर कोई आपत्ति बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं। चले, ये तो बहुत अच्छा होगा कि आपने क्लियर कर लिया। और दोस्तों, ये बात ठीक है कि भारत को इस चीज से बहुत ज्यादा पाकिस्तान में भी प्रेस किया जाता है, क्योंकि हम रोड शो करते हैं कि भारत के अंदर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हिंदू पॉपुलेशन है या सिख पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुई है। क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट मदरसों पर की, और जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है उसकी वजह से जो है हमारे मुल्क के अंदर बहुत तेजी से फॉल देखा गया माइनॉरिटीज में। और ये माइनॉरिटीज 10 से 20 लाख नहीं हुई, 10 से 5 लाख होते हुए हमने जरूर देखा है। लेकिन भारत एक बहुत बड़ी जमहूरी पावर है, एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ के अंदर ओपन डिबेट्स होती हैं, जिसपे पाकिस्तान भी बात करता है, हिंदू भी बात करते हैं, मुस्लिम बात करते हैं। तो आज का प्रोग्राम इसी बात पे एंड करते हैं कि ये जो असम में हुआ है ये सिर्फ असम के लिए था, और बाकी भारत के किसी स्टेट में ऑलरेडी जुम्मा का ब्रेक था ही नहीं, ठीक है, और उन्होंने उस वजह से यहाँ पर भी ब्रेक जो है खत्म किया। तो ये कोई रिलीजियसली वो कहते हैं ना टारगेटेड जोन नहीं था। सो मुझे लगता है कि बहुत से जो मुसलमान हमें देख रहे हैं ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि जो मेरे सवाल थे जो मीडिया से थे वो मैंने नाजिर जी के सामने रखे, नाजिर जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे और नाजिर जी को दे इजाजत, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच नाजिर जी। भारत माता की जय। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने इन मजहब के ठेकेदारों को करारा जवाब दिया, जो आजकल
काफी ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं, खासकर जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी, जिन्होंने फैसला लिया कि जुमे की छुट्टी को कैंसिल कर दिया जाएगा और अब कोई भी ब्रेक में जाके नमाज नहीं पढ़ सकता, उसको लेके काफी शांतिदूत जो हैं वो तिलमिलाए हुए हैं। और नाजिया खान जी को भी जान से मारने की धमकी आ रही है, पर हम सबने मिलकर नाजिया खान जी को सपोर्ट करना है क्योंकि वो भारत की बेटी है और हमेशा सच्चाई का साथ देती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।